अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये ब्रशेस के बारे में है। आपको पता है कि मेकअप के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है आपकी मेकअप की ब्लेंडिंग है। तो मेकअप की ब्लेंडिंग किसके साथ होती है? वैसे तो फिंगर्स के साथ भी हो जाती है, लेकिन ब्रशेस का इसमें बहुत मेन रोल है मेकअप के साथ। ये मेरे जो सैलून में ब्रशेस हैं ये उनकी सारी कलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको काशिश के जो ब्रशेस का है ये बुक है, इसकी बहुत अच्छी है ब्रशेस की, इसका रिव्यू बताऊंगी मैं कि इसके बारे में रिव्यू करूंगी कि कितने ज़बरदस्त मैंने इनको पाया है। और इसका मैंने जब यूज़ किया है तो मुझे पता चला, क्योंकि ऐसे यूज़ किए बगैर मैं नहीं बता सकती हूं कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं या फिर आप घर पर ख़ुद का मेकअप कर रहे हैं, आपके पास अच्छे ब्रशेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे पास इधर आ जाता, तो ऐसा है कि मैं आपको बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको हेल्पफुल भी होगा ये। तो ये जैसे ब्रश है आप निकालते जो मुझे साथ देते जाओ, ये जो ब्रश है इसके साथ आप पाउडर डस्ट अवे कर सकते हैं, ब्लशर को सेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ ब्लशर ब्रश, लेकिन आप इसको डस्ट अवे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इनकी ये जो फर है, इनके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, और इनके हेयर्स की जो मैट फिनिशिंग है ये इतनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं आपके प्रोडक्ट को आपकी स्किन के अंदर कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि रखी हुई हैं। बेसिकली जो काम है वो आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका आई शेडो है, आपकी ब्लशर है या आपकी फाउंडेशन एनीथिंग है, उसको ब्लेंड होना स्किन के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है आपको इस किस्म की फर लेनी चाहिए, ये आपके बहुत ज़्यादा ना यूज़फुल रहती है। मेरे पास और भी ब्रशेज़ हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, तो इस किस्म के ब्रशेज़ आप ना लें। आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मेरी सिस्टर ने भी एक मुझे सेट भेजा था यूके से ब्रशेस का, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत मेरा यूज़फुल रहा और मैंने बहुत काम किया उसके साथ भी। जैसे ये ब्रशेस हैं, ये वाले थोड़े से शाइन वाले